दोस्तों हिंदी सिनेमा की अदाकारा सुलक्षणा पंडित के बारे में आइए कुछ अननोन फैक्ट जानते हैं। फैक्ट नंबर एक, सुलक्षणा पंडित ने 9 साल की उम्र में बतौर प्लेबैक सिंगर काम शुरू किया। सात समंदर पार ये पहला गाना था जिसे सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ गाया था। फिल्म का नाम था तकदीर और साल रहा 1967। फैक्ट नंबर दो, सुलक्षणा भी बतौर प्लेबैक सिंगर ही काम कर रही थी कि 1975 में उन्हें बतौर हीरोइन भी ब्रेक मिला। फिल्म थी उलझन जिसमें इनके साथ संजीव कुमार थे और फिर ये विनोद खन्ना की हीरोइन बनकर आई थी फिल्म हेरा फेरी में। फैक्ट नंबर तीन, सुलक्षणा का दिल ही टूट गया था जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था क्योंकि सुलक्षणा और संजीव ने एक साथ तकरीबन 7 फिल्मों में काम किया और इसी दौरान सुलक्षणा संजीव से मोहब्बत कर बैठी थी। फैक्ट नंबर चार, सुलक्षणा ने किशोर दा और रफी के साथ कई कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। इनकी आवाज पद्मी निकोलापुरी, शबाना आजमी और रेखा पर खूब जची। सुलक्षणा को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।